मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं आपके सामने जो वीडियो रखने जा रहा हूँ वो है V59 बोर्ड किस तरह से कोई भी पैनल में आप फिट कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लें कि इस बोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो जानेंगे वो है इसमें V59 IC है, माइक्रो प्रोसेसर, एक फ्लैश आईसी है, दो रेगुलेटर्स हैं, एक 3.3 और एक 5 वोल्ट के लिए। इसमें जंपर सेटिंग्स दिए हुए हैं, अलग अलग पैनल अलग अलग वोल्टेज पे काम करती है, इसके लिए जंपर्स दिए हुए हैं। एक 3.3 वोल्ट का जंपर है, एक 5 वोल्ट जंपर है और एक 12 वोल्ट जंपर है। तो कभी भी आपके पास कोई भी पैनल में आप डालने जाओ ये बोर्ड, तो उससे पहले पैनल डेटा मैच कर लेना ज़रूरी है। पैनल डेटा मैच करने का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर वोल्टेज देना है पैनल को। अगर जो 5 वोल्ट की पैनल है तो आपको 5 वोल्ट ही कनेक्ट करना है, 12 वोल्ट दे दोगे तो आपकी जो DC to DC IC है जो पैनल के ऊपर लगती है वो फायर हो जाएगी। तो सबसे पहले ख़ास ध्यान रखने वाली चीज़ होती है इसमें प्रॉपर वोल्टेज देना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड किया जाता है पैनल डेटा। सबसे पहले आप पैनल नंबर टाइप करेंगे गूगल सर्च इंजन में, जैसे कि ये पैनल है LTA320AP05। ये पूरा टाइप करेंगे और सर्च में एंटर करेंगे आप, तो आपको कुछ पेज इस तरह से खुल के आएगा और फिर बाद में आपको क्लिक टू डाउनलोड PDF फाइल, इस पर प्रेस करना है, फिर सेव करना है। सेव कहाँ करना है आपको वो आपके ऊपर है, आप कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहते हो फाइल को। जैसे कि मैंने इस फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पर सेव कर दिया है, सो मैं इस PDF फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेजेस खुलेंगे, उसमें सबसे पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें आपको पता चल जाएगा कि पिन असेसमेंट असाइनमेंट कहाँ होता है। इंटर्न इनपुट टर्मिनल पिन असाइनमेंट 12 नंबर के पेज पे है, तो आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 12 नंबर पेज काउंट करके आप डायरेक्ट पैनल का जो वायरिंग है उसके ऊपर जा सकते हैं। अब ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कि RX इन ऑड 0 माइनस, RX इन ऑड 0 प्लस, फिर बाद में ग्राउंड है, RX इन 1 माइनस एंड 1 प्लस, ऐसे जितने डेटा है तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 5 में से एक क्लॉक है तो 4 वीडियो सिग्नल्स हैं, तो 4 वीडियो सिग्नल का मतलब ये हुआ कि ये 8 बिट डेटा है। और कभी भी आप चेक करें तो 0, 1, 2 के बाद एक क्लॉक आता है, उसके बाद थर्ड इंसर्शन ऑफ सिग्नल होता है जो RGB इनपुट होता है। फर्स्ट वाला जो होता है RX इन 0 जो है वो रेड कलर देता है, RX इन 1 जो है वो ग्रीन कलर देता है, RX इन 2 जो है वो ब्लू कलर देता है, साथ में वर्टिकल सिंक एंड हॉरिजॉन्टल सिंक है। और ये जो क्लॉक है ये एक डिले लाइन की तरह काम करता है, ये डिले लाइन RX इन 3 को इंसर्ट करने का टाइमिंग सेट करता है। RX इन 3 में क्या क्या है, RGB, तीनों तीन चीज़ है। RGB का मतलब ये हुआ कि ल्यूमिनेंस सिग्नल हो गया, तो आपकी सभी सिग्नल आ गए RGB प्लस ल्यूमिनेंस। दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, वोल्टेज मैच करना है पैनल का। वोल्टेज मैच करने का मतलब ये है कि आप जब जो DC to DC IC की सप्लाई जिस तरह से देनी चाहिए उस हिसाब से ही देना है। जैसे कि इस पैनल में 12 वोल्ट इनपुट है, सो आपको ये जो टाइप लिखा है दैट मींस टाइप इज़ कॉल्ड 12 वोल्ट, मैक्सिमम 13.2 हैंडल कर सकता है ये पैनल, मिनिमम 10.8 हैंडल कर सकता है, लेकिन ये 12 वोल्ट की सप्लाई वाला पैनल है। तो इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी पैनल डेटा देखने से कि आपका वोल्टेज रेंज क्या है इस पैनल का। तो जो V59 बोर्ड में आपको जंपर सेटिंग जो है वो इसमें से निकाल कर
3.3 वोल्ट से निकाल कर ये जो लास्ट वाला कनेक्शन है जो अलग से लगा हुआ है वो 12 वोल्ट का है, उस पर आपको जम्पर कनेक्ट करना है इस तरह से। कभी भी एक चीज़ का खास ध्यान रखना, LVDS केबल कनेक्ट मत करना पहले से ही। सबसे पहले आप वोल्टेज मैच कर लो, फिर बाद में आपके LVDS कनेक्शन किस तरह से देने उस हिसाब से वायरिंग होनी चाहिए। तो LVDS की वायरिंग प्रॉपर करने के बाद ही सप्लाई कनेक्ट करना है। सप्लाई कनेक्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला जो ध्यान रखना है आपको वोल्टेज मैच करना है, उसके बाद कनेक्शंस किस तरह से देने हैं वो मैच करना है, उसके बाद ही आपको टीवी पे आपको ये बोर्ड फिट करना है। अब इसकी पिन की डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट पिन है ये सप्लाई है, फर्स्ट यहाँ से काउंट होगी, फर्स्ट सेकेंड सप्लाई है, थर्ड सप्लाई है एंड फोर्थ ग्राउंड है इसमें। फिफ्थ एंड सिक्स ग्राउंड पिन होती है या NC होती है, कोई कोई बोर्ड में ये NC होती है और किसी में ग्राउंड होती है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पिन सप्लाई है, फोर्थ ग्राउंड है, फिफ्थ पिन जो है वो NC है, सिक्स ग्राउंड है, उसके बाद सेवेंथ एंड एट्थ पिन आपका हुआ फर्स्ट डेटा। तो ये जो दो पिन है सेवेंथ एंड एट्थ, ये है आपके RX इन ज़ीरो एंड RX इन ज़ीरो प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला जो है वो RX इन वन माइनस एंड प्लस, ये जो है। इसके बाद थर्ड जो आता है RX इन टू माइनस एंड प्लस, ठीक है। उसके बाद एक ये ग्राउंड आएगा, फिर बाद में RX क्लॉक माइनस एंड प्लस, फिर RX इन थ्री माइनस एंड प्लस। इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं आएगा, इसके बाद वाले कनेक्शन फुल HD वाले कनेक्शन है। सो ध्यान रखने वाली चीज़ एक तो सप्लाई है और ये सिग्नल है। ये बोर्ड में हमने 12 वोल्ट कनेक्शन जो जंपर का था वो कर दिया, पैनल मैच कर ली। पैनल मैच करने के बाद एक और चीज़ खास ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें ये चार पिन सप्लाई की है तो इसमें से सिर्फ तीन पिन सप्लाई की है, जो रेड वायर हैं वो सप्लाई डेजिग्नेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पिन जो है सप्लाई और फोर्थ इस बोर्ड में ग्राउंड होता है। तो ये बोर्ड में ग्राउंड होता है तो आपकी जो सप्लाई यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो फोर्थ नंबर का जो वायर है उसको काटना है, जिस तरह से मैंने काटा हुआ है ये वायर। फोर्थ पिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ पिन को आपको काटना है। फोर्थ वायर काटने के बाद आपको वोल्टेज देने के लिए इसमें DC जैक है, DC जैक 12 वोल्ट का इसमें लगेगा और 12 वोल्ट आउटपुट पे ये पैनल काम करती है। अब ये हम देख लेते हैं कि इसमें कनेक्शन किस टाइप के हैं, फुल HD का कनेक्शन है या HD रेडी का। HD रेडी मीन्स 1366 मल्टीप्लाई बाय 768, जो हमारी पैनल है वो 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 है। तो हमें जो सॉफ्टवेयर इसमें लगेगा वो है यही रिजोल्यूशन का 1366 वाला। सो सॉफ्टवेयर आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होता है, एक्चुअली ओपनली ये मार्केट में मिलेगा नहीं आपको। उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर आपको अगर जो चाहिए तो आपको मेरी ट्रेनिंग एक बार अटेंड करनी ज़रूर होगी। लेकिन मैं आपको सॉफ्टवेयर कैसे इस बोर्ड में सेट करते हैं वो उसका एक तरीका बता देता हूँ। अभी ये फॉर्मवेयर को आपको डाउनलोड करना है इसमें। सो V59 के फॉर्मवेयर कुछ इस तरह से होते हैं, एक जनरल होता है, जनरल में ऑल टॉप पैनल्स मतलब टिकॉन अगर जो टॉप में हो तो सारे जो जनरल प्रोग्राम में आ जाएगा। जनरल प्रोग्राम में ये सारे ऑप्शन आएंगे, जनरल 800 मल्टीप्लाई बाय 600, 1024 768, 1366 768, 1440 और जितने भी आपको दिख रहे हैं ये जनरल प्रोग्राम टॉप पैनल का है। अगर जो आप पिक्चर उल्टा चाहते हैं, मान लीजिए कि आपकी पैनल है उसमें टिकॉन बोर्ड नीचे की साइड है, तो आपको पिक्चर इस वाले फॉर्मेट से उल्टा आएगा। लेकिन अगर जो मिरर ऑप्शन चाहिए तो दूसरे प्रोग्राम है जो आपको अपसाइड डाउन वाले प्रोग्राम है, इसमें से वो डेटा लेना होगा। अच्छा, ये डेटा आपको अगर जो चाहिए तो मेरी ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करनी पड़ेगी।
लेकिन किस तरह से डालते हैं वो डेटा, वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैंने V59 जनरल में ये मिरर का जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी डाल के रखा है, तो इसको कॉपी पेस्ट आपकी पेन ड्राइव में कर लेंगे। कॉपी एंड आप इसको फॉर्मेट कर लीजिए सबसे पहले आपकी पेन ड्राइव को। फॉर्मेट करने के बाद इसमें आप कंट्रोल वी दबा के ये सॉफ्टवेयर को डाल देंगे। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, एक बिन फाइल है एंड एक टेक्स्ट फाइल है। बिन फाइल एंड टेक्स्ट फाइल, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको पेन ड्राइव से इसमें V59 बोर्ड में अपलोड करना हो। तो अभी सेफली रिमूव कर लेते हैं ये जो पेन ड्राइव है इसको कंप्यूटर में से। V59 बोर्ड में कुछ इस तरह से ये पेन ड्राइव पहले लगा देनी है पावर देने से पहले, फिर बाद में पावर आप कनेक्ट करेंगे तो एलईडी कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। ये जो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम इस आईसी में स्टोर हो रहा है वाया माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके थ्रू इस आईसी में स्टोर हो रहा है ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जब स्टोर हो जाएगा तो ये जो लाइट है इस तरह से ब्लिंक करके एक कांस्टेंट लाइट देगी कुछ ऐसे। तो ये आपने देखा कि जिस तरह से स्टोर करने के बाद, ये अभी मैंने ये जो वायरिंग की हुई है इसमें रेड का मतलब है चालू और ब्लू मतलब स्टैंड बाई है। मैंने वायरिंग कुछ इस तरह से की है, लेकिन एक्चुअली इस बोर्ड में वायरिंग कुछ ऐसी होगी कि स्टैंड बाई में लाल लाइट होगी और जब आप ऑन करेंगे तो ब्लू होगा। ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में दिखेगा कुछ ऐसे। तो सबसे पहले आपको ये चाइनीज़ को इंग्लिश में चेंज करना है। तो इंग्लिश करने के लिए ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑप्शन को खोलने के बाद ये जो राइट की है इसकी राइट की, इससे हम इंग्लिश आने तक राइट की दबाएंगे। इंग्लिश पे येलो मार्क मतलब ये सिलेक्टेड है, अब आपको एंटर दबाना है। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से स्टोर हो गया, आपने इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया और उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज चेंज कर दिया। कभी कभी आप देखोगे कि आपने ये बोर्ड डालने के बाद मैपिंग का फॉल्ट आएगा। मैपिंग का फॉल्ट सॉल्व करने के लिए मेनू एंड 1147 दबाने के बाद ये आपको जनरल सेटिंग मिलेगा। जनरल सेटिंग में आपको फर्स्ट जो है ऑप्शन जनरल सेटिंग का, उसमें फर्स्ट ऑप्शन एलवीडीएस मैपिंग है। एलवीडीएस मैपिंग को आपको आपके जैसे मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम था आपका, तो आपको इसको 0 या 1 पे रखना है। बेस्ट ऑप्शन आपको जो लगता है उसके ऊपर आपको एलवीडीएस मैपिंग को सेट करना है। एलवीडीएस मैपिंग सेट इसलिए करना पड़ता है, तो कभी कभी आप जो वायरिंग करते हैं ये माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस हो जाता है, और सभी के सब प्लस माइनस होने की वजह से आपको मैपिंग सेट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि टीवी चालू हो गया और परफेक्ट पिक्चर के साथ। तो अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर जो मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मेरा अगला वीडियो जब भी आएगा आपको पहले मिलेगा अगर जो आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। और मेरी अभी ट्रेनिंग है इंदौर में, अगर जो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस ट्रेनिंग में और आपको ये सब सॉफ्टवेयर उसमें मिलेगा, अगर जो आपको उसमें भाग लेना है तो मेरा फ़ोन नंबर मैं नीचे के लिंक में चैट बॉक्स में लिख के रखता हूँ। आप मुझे फ़ोन करके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। थैंक यू।